एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए, ये करंट टेस्ट सीरीज का 22वां पार्ट है और पहले 21वें पार्ट का उत्तर देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है जनरल मुकुंद नरवाने, दूसरे प्रश्न का उत्तर है जनरल बिपिन रावत और तीसरे प्रश्न का उत्तर है नेवी और आर्मी मोबाइल बंद और चौथे प्रश्न का उत्तर है दिल्ली और पांचवें प्रश्न का उत्तर है MiG-27 की रिटायरमेंट है। समझ गए होंगे आप बात को। और छठे प्रश्न का उत्तर है 3 मार्च, सातवें प्रश्न का उत्तर है लखनऊ, आठवें प्रश्न का उत्तर है भारत और नौवें प्रश्न का उत्तर है टीम साउथी। 10 बार विराट कोहली को आउट कर चुका है। और 10वें प्रश्न का उत्तर है पंजाब यूनिवर्सिटी। चलिए, समय नहीं गंवाते हुए डायरेक्ट प्रश्नों पे आते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, राफेल फाइटर विमानों का टेल नंबर वायु सेना के किस पूर्व प्रमुख के नाम पर रखने का फैसला हुआ है? बताइए, बताते जाइए। दूसरा प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 वार्ता 18 दिसंबर 2019 को किस शहर में हुई? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। तीसरा प्रश्न, राफेल ट्रेनर विमानों का टेल नंबर वायुसेना के किसके नाम पर रखने का फैसला हुआ है? टेल नंबर किसके नाम पर रखेंगे? और चौथा प्रश्न, भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता 30 नवंबर 2019 को हुआ? और पांचवा प्रश्न, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? और छठा प्रश्न, किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? सातवां प्रश्न, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? आठवां प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगर और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया? और नौवां प्रश्न आपके सामने, ध्यान दें, श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है? यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स, बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए, दसवां और अंतिम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा लिया है? चलिए उत्तर कीजिए, आप उत्तर कीजिए। और कैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखेंगे, आपको मैंने बार बार बताया है। आप क्या करेंगे, आप 3 वीडियो को एक साथ देखें, आंसर को मिलाएं, फिर दूसरी बार देखें, फिर देखें आपको याद है कि नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है आपके लिए, आपको कामयाब होने का। मैं 3-4
बिंदु आपको बताता हूँ। सबसे पहला जीके 1 से 105 आपको मजबूत कर लेना है, दूसरा करेंट 1 से 50 वीडियो को मजबूत कर लेना, और तीसरा बिंदु ये है कि ये जो टेस्ट चल रही है आपकी हिस्ट्री की, पॉलिटी की और इसकी, करेंट की और जीबी, इन सारे टेस्ट को आप डेली करें। इन सारे में आपका टाइम लगेगा 2 घंटा, 2 घंटे में आप सारा काम कर लेंगे और 4 महीना 6 महीने के बाद आपके पास रिजल्ट आपके हाथ में होगा। लेकिन सवाल ये है कि लगन के साथ आपको निरंतर लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कामयाबी यूं ही हाथ में मिल जाती तो फिर हर व्यक्ति कामयाब होता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा स्पेशल करना पड़ेगा, घूमना फिरना टहलना बंद करके 4 घंटा रूम में पैक हो करके 4-5 वीडियो देखिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर सुनिए और देखिए कितना प्रोग्रेस हुआ है। थैंक यू।